another numerical non-compartment analysis का acyclovir is an antiviral drug used in the treatment of herpes simplex and varicella zoster and is a suppressive antiviral in virus samples. इस स्टडी में क्या किया गया, 3 मेल साइनोमोनोगस मंथलीज पर ईच गिवन इन डोज ऑफ 10 मिलीग्राम पर के जी आई वी डोज ऑफ ए साइक्लोविर. उनका एवरेज वेट था 3.35 के जी, हमने 3.35 से एग्जैक्ट डोज मिला. फिर उसके बाद क्या किया, ब्लड सैंपल्स और कलेक्टेड और उसमें ड्रग की कंसेंट्रेशन और उसके बाद में हमने ये कहा कि इसमें आप मालूम कीजिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हाफ लाइफ मीन रेजिस्टेंस टाइम इनिशियल पासवर्ड कंसंट्रेशन एरिया अंडर कर्व के लिए इनफाइनाइट टाइम एरिया अंडर मीन कर्व के लिए इनफाइनाइट टाइम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स. अच्छा इसमें देखें ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन कंपार्टमेंट मॉडल से लिए एम आर टी ए ठीक है ए ये दोनों कंपार्टमेंट मॉडल से रिलेटेड हैं, ये भी कंपार्टमेंट मॉडल से रिलेटेड हैं, ये दोनों का एप्लीकेशन है. यानी हमने दोनों तरह से इसका एनालिसिस करना है. उसके बाद अब आपने ये करना होगा कि आपने इसका एक सेमी डॉट पर ग्राफ प्लॉट करना होगा. ठीक है, ये जो टाइम वर्सेस जो कि ये रहा. ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि आपने इसको प्लॉट करना होगा. ठीक है, कैमरे पे आ रहा है ये बिल्कुल सही सही है जी. ठीक है, क्लियर है. थोड़ी देर इसको यहीं पे रखे रहें ताकि ये आपके पास आप वरना कैमरे को पॉज कर अपनी जब इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको पॉज कर लीजिएगा उस वक्त जो मूवी चल रही हो और फिर इसको देख लीजिएगा कि स्केल किस तरह से लिया है. यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिया है और यहाँ टाइम लिया है और फिर ये एक सीधी लाइन खींची गई है. ठीक है, फिर इस पर कोई दो पॉइंट लेकर इससे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी ये के की कैलकुलेशन की गई है. के से फिर टी हाफ निकल आएगा. ठीक है, ये यहाँ से सी पी नॉट निकल आएगा. ठीक है ना, यानी जो वाई इंटरसेप्ट जो होगा सी पी नॉट यहाँ से आ गया. दो कोई अदर देन ये डेटा पॉइंट इनको छोड़ के कोई दो डेटा पॉइंट लेके उसमें प्लॉट करेंगे. लाइक एक ये ले लिया यहाँ पे और उसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यू से आपने स्लोप निकाला. स्लोप दरअसल क्या है आपका, ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से निकाला. ठीक है, तो अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, आपने ये बाद में करना होगा. और के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वही हम इसी सीक्वेंस से चलते हैं जो सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है जिस तरीके से ये पूछा जा रहा है. अब सबसे पहले हम के निकालते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया, टी वन की वैल्यू भी 1.25 और सी वन वाई एक्सिस की वैल्यू भी 9.8 और इसी तरीके से दूसरा टाइम लिया हमने 1.7 और सी पी टू लिया 6.6. तो क्या यानी ग्राफ से लिया है, ठीक है, हमने ग्राफ से वैल्यू ली. उसके बाद के लिए हमने क्या किया, तो के की वैल्यू इसको कैलकुलेट करके निकलता आई हमारे पास 0.88 पर आ. ठीक है, ठीक, ये निकल कर आ गया. अब इससे हाफ लाइफ निकालनी है, यानी हमने ये चीज तो कर ली. ठीक, पहले चीज अब हाफ लाइफ निकाल लेंगे. अब मैं वो पता लगा गया कि हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. ठीक,
जानकारी क्या है। ओके ठीक। अब अगला स्टेप होगा एरिया अंडर का हमें मालूम करना है, क्योंकि एमआरपी की जो आपको इससे पिछले जो मेडिकल में भी आपने देखा था यू नीड एयूसी एंड एयूएमसी, ठीक है। इससे भी बात सकते हैं आपके बाद एमआरपी इक्वल टू 1/k, ठीक है। कोई बात नहीं बात है, पहले हम इसको सॉल्व करें एयूसी और एयूएमसी, ठीक है ना, जो यानी स्टैंड वाइज तरीका है उससे तो सॉल्व करें, ठीक है। तो अब हम उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि सीपी नॉट हमने जब ग्राफ पे देखा उस ग्राफ से सीपी नॉट कितना आ रहा था 29.25 mg/L, ठीक है। ये ग्राफ से तो वाई हमने सेट किया पहले का वैल्यू आ गई क्या। अब क्योंकि हर एक अपना ग्राफ अलग बनाएगा तो जरूरी नहीं है कि सबकी 29.25 आए, थोड़ी बहुत आगे पीछे इसके हो सकती है, क्योंकि एक्सेप्टेबल भी है, गलत कंसिडर नहीं की जाए, ठीक है। ओके नाउ एरिया अंडर का चार्ट पर हम बात करते हैं, हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, कई अच्छी चीजें हमने निकाल। अब एमआरटी के लिए हमें ये मालूम करना है और ये निकाल, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एरिया अंडर का चार्ट पर बात करें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप एरिया अंडर का चार्ट पर बात करूंगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 19 ये होगा
स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर अर्थात के
जी ठीक है, इतना प्लस पी लास्ट एंड टाइम लास्ट मल्टीप्लाई बाय सी पी लास्ट अराउंड के यहां से कर लेंगे ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला सही किसका है फॉर्मूला ए यू एम सी का, ए यू एम सी का। अब इसको फॉर्म करते हैं वैसे ठीक है, वैल्यू शो करते हैं ठीक है ठीक। एफिनिटी टी एन का मतलब है जीरो, जैसे सपोज दैट जीरो है उस वक्त की 29.1 ये क्या उससे बाहर आ गया यानी 0.16 है ना, इसकी 26 है ठीक है ठीक है। ओके ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी वही 0.167 माइनस जीरो। हां ठीक है, इसी तरीके से हम आगे अच्छा फिर सबको प्लस कर और वही समेशन करते जाएंगे। देखिए जैसे वहां पे समेशन की प्लस किया था यहां प्लस कर ठीक है। नाउ ये भी कोड फॉर्मूला है ठीक है। इसके बाद आइए
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सर पीछे देखो सीएलटी इनटू सीएलटी इनटू एमआरजी जी, ठीक है, अब वो ऑफ कर दीजिए।